हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योर सेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ बिना प्याज लहसुन के बहुत ही टेस्टी सिंपल एश कर्ड या फिर सफ़ेद कद्दू की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप मटर को ड्राई रोस्ट करके फिर बॉयल कर लिया है। चूल्हे पर कढ़ाई को बिठा दिया है, इसमें डाल देंगे तेल। तेल गरम हो गया, डाल देंगे आधे चम्मच पाँचफोरन। और अभी हम डाल देंगे बारीक कटे हुए सफेद कद्दू या फिर एश कर्ड। तो अभी हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर रख देंगे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। तो लगभग 10 मिनट हो गया है, अभी सब्जियों को हम थोड़ा सा चला लेंगे। अभी हम डाल देंगे मसाले, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढककर रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। लगभग 10 से 12 मिनट हो गया है, हमने ढक्कन निकाल लिया है। अभी सब्जी को थोड़ा सा चला लेंगे। तो अभी हम डाल देंगे आधे चम्मच चीनी और बॉईल किए हुए मटर। और अभी हम डाल देंगे मैगी मसाला और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी सब्जी में हम डाल देंगे 1 चम्मच रोस्टेड क्रश्ड कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद अभी इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों को ऐसी और भी कई तरह की वेज रेसिपीज चाहिए तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो देखिए सब्जी ड्राई हो गया है, अभी हम गैस को बंद कर लेंगे। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।